हेलो दोस्तों, तो आज हम फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एक प्लांट का छोटा सा पार्ट बनाया है अपने, उसकी लीफ बनाई है। अब होता क्या है, सन है, सन से क्या आती है, सोलर एनर्जी सन से आती है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर से, CO2 एटमोस्फियर पे से आ जाएगी, और इसके साथ एंड वॉटर भी आ जाएगा, नीचे से वॉटर आएगा, ठीक है। और यहां से क्या फॉर्म करेंगे, ये सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं जानते हो आप, ग्लूकोज। ये फॉर्म करते हैं ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, और कुछ बाय प्रोडक्ट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर, ग्लूकोज की कई सारी यूनिट मिलकर उनके बीच में लिंकिंग बनकर क्या बना देती है, वो स्टार्च। और स्टार्च की फॉर्म में ये ग्लूकोज अब स्टोर होगा। कहां पर स्टोर होगा, लीफ में नहीं, लीफ में तो ये बना है ना, लीफ की सेल्स को जितना जरूरत है उन्होंने ग्लूकोज यूज कर लिया, बाकी को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टार्च यहां से ट्रांसफर किया जाएगा कहां, रूट की तरफ भी और ऊपर भी, तो रूट की सेल्स भी यूज करेंगी और ऊपर अगर जो पार्ट है वो भी यूज करेगा, है ना। तो इसका ये अपवर्ड फ्लो भी है और डाउनवर्ड फ्लो भी है, और नीचे ये हैं रूट्स। ओके, ये रूट्स हैं। तो इस तरीके से स्टार्च का यूज होता है, ये स्टेम और ये लीफ। तो इस तरीके से स्टार्च का यूज होता है। अपन ने देखा कि क्या है, इस ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू किस किस चीज की जरूरत पड़ी। फर्स्ट सोलर एनर्जी जो सनलाइट से मिलेगी, है ना। अपन आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है ना, पर सनलाइट सनलाइट में भी उसकी कौन सी रेडिएशन, वेवलेंथ जो अपन देख पाते हैं, है ना। और मेनली देख पाते हैं उसमें भी कौन सा कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर। ओके, और क्या चाहिए, CO2 एंड वॉटर, है ना। तो इन रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं अपन, ये कहां से और कैसे पूरी होती है ना। चलो मैं आगे शो करता हूं। चलो, तो अब रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें पहला नंबर क्या बताया था मैंने, CO2। पॉज कर। तो जो CO2 है, CO2 रिक्वायरमेंट है, CO2 कहां से आएगी, CO2 आती है एटमॉस्फेयर में से, है ना, एनवायरमेंट में से। एनवायरमेंट में से CO2 आती है, और CO2 क्यों जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन आता है वो CO2 से ही आते हैं, है ना, सारे के सारे कार्बन। अब CO2 आते कैसे हैं, लीक कैसे लेती है CO2 को, अपनी तरह उसके पास नाक तो है नहीं। चलो तो वो देख लेते हैं क्या होता है, कैसे लेती है ना। अब सबसे पहले स्टोमेटा, स्टोमेटा जो स्टोमा बताया था मैंने लीप में प्रीवियस स्ट्रक्चर में, वो जो लीप की लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट थे, वहीं से CO2 और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, एक्सचेंज वहीं से होता था। तो स्टोमेटा को भी अपन यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं, अभी मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ। चलो, तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है किसकी, स्टोमेटा की, स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा में आप देखते हैं होता क्या है कि स्टोमेटा में टू तो होती है क्या, ये जो बीन शेप्ड सेल्स है, ये क्या है, बीन शेप्ड सेल्स, इनको बोलते हैं अपन गार्ड सेल्स। क्या, गार्ड सेल्स, है ना। इनमें न्यूक्लियस मिलता है और क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है, ये ग्रीन कलर की होंगे, है ना। क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, में कल स्ट्रक्चर बता चुका हूँ क्लोरोप्लास्ट की, ये इस तरीके का, है ना, दोनों मिलेगा। अब इनकी दो कंडीशन होती है कि ये दोनों बीन शेप है ना, ये कब ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे। तो ये ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन में मतलब इनके गेट्स ओपन है, तो CO2 अंदर आ सकती है, और सेल के अंदर जो लीफ है, लीफ के सेल्स के अंदर बाहर क्या आ सकती है, ऑक्सीजन। अब होता कैसे है ये देखते हैं, इसमें ये सबसे बाहर क्या है, गार्ड सेल्स, मैं इनके नॉर्मल क्लेचर बता देता हूँ, गार्ड सेल्स, ठीक है। ये इनका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये क्लोरोप्लास्ट, है ना, उसमें भी ऐसा ही रहेगा। ओके, क्लोरोप्लास्ट, ये बाहर की ये सेल्स देख रहे हैं, ये कौन सी सेल्स है, क्या कोई बता सकता है, एपिडर्मल सेल्स। कौन सी है, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं ओपन और क्लोज कंडीशन। होता क्या है, ये जो गार्ड सेल्स हैं, बीन शेप हैं, ये जब, ये क्या होती हैं, इनमें वॉटर इंटेक होता है, ठीक है,
पोटेशियम इसकी पोटेशियम हाइपोथेसिस के थ्रू होता है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना समझो कि इनके अंदर वाटर फिल होगा, वाटर फिल होगा तो क्या होगा, ये ऐसे फूलेंगे, ऐसे फूलेंगे, फूले तो ओपन हो गया स्पेस, अब CO2 एक्सचेंज कर सकती है ना, ये कंडीशन होती है ओपन में। अब जब CO2 जरूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस में तो क्या होता है, ये क्लोज हो जाते हैं। क्लोज कैसे होंगे, जो वाटर आया था ऑस्मोसिस के थ्रू वो सारा वापस चला जाएगा, तो क्या होगा, जो ओपन थे अब वो धीरे धीरे क्लोज होने लगेंगे, है ना। मतलब जो सेल टारगेट हो गई थी गार्ड सेल्स, वो अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन, नॉर्मल है ना, श्रिंक होने लगेंगी या फूल गई थी, है ना। तो बस इस तरीके से एक्सचेंज होता है किसका, CO2 का, कि CO2 इसके थ्रू अंदर आती है ओपन कंडीशन में। ओपन कब होती है, जब ये फूल जाते हैं, फूलते क्यों है, इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इनटेक होता है ना, वाटर वापस चले जाए तो क्लोज हो जाएंगे, मतलब CO2 का एक्सचेंज अब नहीं होगा, इसके थ्रू ही लीफ लेती है CO2। चलो अब नेक्स्ट है अपना वाटर कैसे लेती है वो बात करते हैं। चलो तो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर कहां से आता है, वाटर कुछ नहीं है, रूट्स, जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, और जाइलम के थ्रू, जो जाइलम है मैंने बताया था वैस्कुलर वंडर स्ट्रक्चर में, उसमें जो जाइलम होता है, जाइलम क्या लगता है, ऊपर की तरफ ले जाता है रूट से, है ना, रूट के थ्रू, रूट से लीफ तक कौन, जाइलम के थ्रू जाएगा वाटर, है ना, जाइलम लेके जाएगा वाटर, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी लेके जाएगा। अभी वाटर यूज कैसे होता है, वाटर यूज होता है जो H2O होता है अपना, है ना, H2O होता है, अब ये टूटता है, इसका करते हैं फोटोलाइसिस, इसका होता है फोटोलाइसिस, फोटो मतलब लाइट के थ्रू, लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइट के थ्रू वाटर को तोड़ना कहलाता है फोटोलाइसिस। तो ये फोटोलाइसिस में क्या होगा, H2O टू हाइड्रोजन आयन्स में टूट जाएगा, ठीक है, टू हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और O नेगेटिव, है ना, O नेगेटिव। अगर इसको अपन बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, अगर ये इस तरीके से, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ क्लोरोफिल के अंदर होगा ये, अगर इसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है 2H2O, तो 2H2O में क्या बन जाएगा, यहाँ H2 गैस बन जाएगी, ठीक है, कितनी बनेगी 2, और एक ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, इसके साथ इसमें केमिकल एनर्जी बन जाती है, क्या, केमिकल एनर्जी, है ना, ये केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी बनी है, अभी केमिकल एनर्जी यहाँ यूज होगी, अच्छा इसमें क्या क्या क्लोरोफिल और लगेगा, ये कहाँ हो रही है सारी की सारी प्रोसेस, क्लोरोफिल में, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन लाइट रिएक्शन, क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, इसके लिए लाइट जरूर चाहिए पानी को तोड़ने के लिए, इससे जो केमिकल एनर्जी बनी। अब इस केमिकल एनर्जी को आगे चल के मेसोफिल सेल्स, जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसका स्ट्रोमा यूज करेगा, ये सब किसमें हो रहा था, ग्रेनाम में, है ना, ग्रेनाम हेलिकॉर्ड जो बताया था मैंने, उसमें हो रहा था ये रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। अब सेकंड है जो लाइट केमिकल एनर्जी है, इसको कौन यूज करेगा, CO2। अब CO2 रेस्ट टू इस केमिकल एनर्जी को, किसको, मैं ब्लैक से कर देता हूं, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे और क्या बना लेंगे, CH2O। अब मतलब 6 CO2 लिख दूं तो ये हो जाएंगे C6H12O6, है ना, प्लस H2O, है ना, C6, तो ये इस तरीके से होंगे, अब ये 12H2 यहां यूज हो जाएंगे, 12H2 यहां यूज हो जाएंगे, तो एक ये और एक इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है ना, तो इस तरीके से हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपन डार्क रिएक्शन, क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन, इसको आगे एक डायग्राम के थ्रू और समझाता हूं मैं। चलो आगे चलते हैं अपन, तो ये एक स्ट्रक्चर मैं अभी बना रहा हूं किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, मैंने बताया था ना आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर ये जो सिक्के जैसे रखे हैं एक के ऊपर एक, है ना, वो क्या थे, ग्रेनम, है ना, थाइलेकोइड, ये ग्रेनम थाइलेकोइड, एक ऐसे एक ये स्ट्रोमा थाइलेकोइड, एक ट्यूब जैसे, फिर दूसरे सिक्के रखे थे कई सारे यहाँ पर ऐसे, है ना, कई सारे ऐसे रखे थे दूसरे वाले, तो ये ग्रेनम थाइलेकोइड ऐसे जुड़े थे, ग्रेनम थाइलेकोइड, स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ग्रेनम थाइलेकोइड, है ना, और बीच में पूरा ये खाली स्पेस में फ्लूइड भरा रहेगा, कई सारे एंजाइम्स रहेंगे, ये स्ट्रोमा, है ना, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा,
या न्यून करना स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा। अब मैं इसमें रिएक्शंस क्या क्या होती है वो बता रहा हूं कि जो ये थाइलेकोइड है दोनों है ना, जो थाइलेकोइड है इसमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं उनको मैं फटाफट आपको बताता हूं क्या क्या रिएक्शंस यहां होती हैं, है ना। चलो तो बाहर क्या है, सन, सन है, ये जो सन है इससे क्या सनलाइट आएगी, जो सनलाइट आ रही है उसको यहां इन्होंने रिसीव किया, रिसीव किया, इस पर क्या होते हैं पिगमेंट होते हैं, ठीक है, पिगमेंट होते हैं तो पिगमेंट इसको रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने के बाद क्या होते हैं इसमें लाइट रिएक्शन चलती है, क्या चलती है लाइट रिएक्शन, जो मैंने बताया था क्या, ठीक है, लाइट रिएक्शन कहां चल रही है ग्रेनम में। अब इसमें होगा क्या, किसके लिए चलती थी, क्या कर रहे थे अपन, वॉटर को तोड़ रहे थे ना, फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, सॉरी ऑक्सीडेशन या फोटोलाइसिस ऑफ किसका, वॉटर का, है ना, इसमें क्या होगा वॉटर का फोटोलाइसिस होगा या ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें से क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ऑक्सीजन डायरेक्टली बाहर चली जाएगी, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन डायरेक्टली बाहर चली जाएगी O2, है ना, ऑक्सीजन बाहर चली गई है। अब यहां अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट निकले, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये सब किसमें हो रहा है ग्रेनम में, किसमें हो रहा है ये ग्रेनम में, है ना, ग्रेनम, ये ग्रेनम है ना, ये ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर हो रहा है। अब ये इसको लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट है लाइट पर, है ना, यहां से H2O आता है जिसको अपन तोड़ते हैं, H2O को क्या कर रहे हैं अपन तोड़ रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, और इसके साथ एक चीज का फॉर्मेशन और होता है, किसका ATP, किसका ATP बनती है ना, ATP बनी, ये एनर्जी बनेगी ATP, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, NADP प्लस के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, NADPH, या ये दो प्रोडक्ट बन गए, ATP और NADPH, है ना, ATP और NADPH, ये किसके प्रोडक्ट बन गए, लाइट रिएक्शंस। अब ये ही प्रोडक्ट आगे चल के डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, जो मैं बता रहा था एनर्जी, केमिकल एनर्जी, यही तो केमिकल एनर्जी है, मैंने बताया ना वॉटर के फोटोलाइसिस से, ये यही तो दो बनी है। अब ये जाएंगे डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में, इस फ्लूइड में इसके एंजाइम्स रहते हैं, उस रिएक्शन को अपन एक नाम बोलते हैं क्या, केल्विन साइकिल नाम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं केल्विन साइकिल। यहां से इसमें क्या हो जाएगा, CO2 एंटर हो जाएगी, क्या CO2 आएगी, CO2 एंटर हुई और CO2 इधर आ गई, ठीक है, इधर आ गई। अब यहां पर ATP और NADPH यहां इसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, यहां पर अब बन जाएगी शुगर, क्या बन जाएगी शुगर, है ना, यहां शुगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, शुगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, शुगर की ऐसी स्ट्रक्चर होती है ये शुगर, ठीक है। और शुगर आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्या बताया था अभी मैंने, स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज होती है ना, स्टार्च और कई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गई तो शुगर बनी। अब इसके साथ जो ATP और NADPH यूज हुए ना इसमें, अब इसमें यहां से क्या होता है, इसका हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं, इसका फॉस्फेट यूज कर लेते हैं, फिर इसमें से ATP इसमें से अब बचेगा क्या, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, प्लस फॉस्फेट अलग हो जाएगा और स्टोमा में हटा देता हूं अभी, और जो NADPH है इसमें से H को ले लेंगे तो NADP प्लस,
जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को यहाँ यूज कर लिया गया, एटीपी की केमिकल एनर्जी एक बॉन्ड को यूज कर लिया गया तो एडीपी बचे, यही कि यही यहाँ इसमें वापस आ जाएंगे। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। देखो इसमें एनएडीपी प्लस आया, यहां से क्या टूटा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिए, एनएडीपीएच में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। एटीपी आया, इसने फॉस्फेट इसमें जोड़ के क्या बना दिया, एटीपी, इसने ये यूज किए वापस से ये दे दिए, ठीक है। ये वाटर को तोड़ गए, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, इसने क्या किया सीओ टू को ले गए, ऐसे इसके छह साइकिल चलाए और सुगर बना दी। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम पता है आपको, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, है ना। यही है इसकी क्या है, डार्क रिएक्शन, इसी को बोलते हैं इसकी डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन। ये किसके लिए हो रही है, वहां इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, किसका, वाटर का, या सीओ टू का, क्या कर रहे हैं, फॉर रिडक्शन। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, फॉर रिडक्शन ऑफ सीओ टू, सीओ टू को यहां रिड्यूस करते हैं ना, और सुगर बना दी जाती है। तो इस तरीके से ये चलती रहती है, ये सनलाइट पर डिपेंडेंट है, और ये इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली सनलाइट के प्रोडक्ट पर, लाइट रिएक्शन है ना, उसके प्रोडक्ट पर, कौन से, एनएडीपीएच और एटीपी पर डिपेंडेंट है। तो इसके लिए डायरेक्टली लाइट चाहिए, है ना, इसमें इसके लिए फोटो सिस्टम वर्क करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड, तो इट्स ऑल अबाउट द फोटो सिंथेसिस। फाइनली इसके बाद समराइज करते हैं अपन, चलो। तो अब मैं ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बताऊंगा आपको, ठीक है, जो आपको सब स्कूलों में बताई जाती है, ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना, सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये क्या होती है, आप सब पढ़ते आए, मेरे साथ बोलते आप बोलोगे क्या, सिक्स क्या CO2 प्लस 12 H2O, इसमें अलग अलग कलर से लिख देता हूं, CO2 को अलग कलर से, H2O को अलग कलर से, है ना, 12 H2O, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट, है ना, और किसमें, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6, कार्बन छह के छह आ गए, 12 हाइड्रोजन आ गए, अभी भी 12 बचे हैं, क्योंकि H2 है ना, तो 12 इंटू H2 करेंगे तो 24 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन भी अभी बहुत ज्यादा है अपने पास। तो अब क्या होता है, ये इसके बाद फिर प्लस, मैं नीचे लिख देता हूं इसके प्रोडक्ट को, है ना, प्लस 6H2O प्लस, चलो साथ में लिख देता हूं, एक मिनट रुको, प्लस 6H2O प्लस 6O2, है ना, ये ऑक्सीजन है, 6O2, यही है रिएक्शन, यही बनती है 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दी फॉर्म्स द ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। सो अब आप मुझे बताओ कि वाटर को अपन तोड़ रहे थे, वाटर को तोड़कर क्या निकाल रहे थे अपन, फोटोलाइसिस करके, इसका ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन निकल रही थी, सिर्फ और सिर्फ, मैं यहां एरो लगा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पर, इसको क्या बोल रहे थे अपन, लाइट फोटोसिंथेसिस, दो पार्ट में था ना, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, इसकी लाइट रिएक्शन हो गई, है ना। फिर सेकंड डार्क रिएक्शन में क्या हुआ था बताओ, इससे क्या बना था, ये ना, यही बना था, CO2 का अपन यूज कर रहे थे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, ये क्या थी, डार्क रिएक्शन, है ना। तो आप जब एग्जाम में लिखो तो इस फॉर्म में लिख देना, है ना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। चलो यहां तक फोटोसिंथेसिस अपनी कंप्लीट होती है, चलो।